हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आई एस आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ में आज हम लोग देखने वाले हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जो लास्ट क्लास में बेसिकली जो क्वेश्चन दिए गए थे उसी क्वेश्चन को ही हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर उसमें देखेंगे आखिर आखें में क्या कुछ लिखना चाहिए कैसे लिखना चाहिए इसके साथ ही आपको एक फीडबैक वीडियो भी अटैच की जा रही है जिससे आपको एक आइडिया लगे कि आंसर कैसे लिखना है एंड कैसे ये प्रोग्राम आपको हेल्प कर सकता है आंसर राइटिंग प्रोग्राम को डेवलप करने में विथ रिस्पेक्ट टू आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन तो फटाफट शुरू करते हैं लेट अस स्टार्ट लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दोज हु वांट टू ज्वाइन दिस आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ये सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है ऑल दो यहाँ पर डेट गलत लिखी है बट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एंड दोज हु वॉन्ट टू ज्वाइन इट यू गाइज कैन ड्रॉप एन ईमेल ऑन रिकॉगन आई एस एट जी मेल डॉट कॉम फॉर मोर डिटेल अगर देखें कौन कौन से क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकलीफर्ड फ्रॉम इजिप्टिया ग्रीस इन दैट इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन है ब्रेक डाउन टू द प्रेजेंट डे कमेंट देखिये यहां पर बेसिकली दो क्वेश्चन है इस दो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ये जो एंशियंट सिविलाइजेशन है अब आपके पास है एनशियनट सिविलाइजेशन कहीं पर भी यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है लेकिन आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके अलावा जो हमारी अर्ली वैदिक पीरियड है अर्ली वैदिक ये दोनों ही मानी जाती है कि ये एनशियनट सिविलाइजेशन है दिस इज़ एनशियनट सिविलाइजेशन इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी नाम याद हो तो इट इज़ वेरी गुड जैसे कायथ कल्चर ये एक तरीके का कल्चर है जॉर्वे कल्चर या फिर इसके अलावा भी अगर आपको कोई कल्चर याद है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं जैसे झुकर झाकर एक कल्चर था झुकर झाकर कल्चर तो एट्सेट्रा तो ये आपको यूज़ कर लेगा एक तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसे इंट्रोडक्शन रिमार्क के लिए इंट्रोडक्शन के लिए क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पर एंशंट सिविलाइजेशन जो इंडियन सब का है देखिए सब के बारे में बात की गई है तो बिल्कुल इंडिया और नेबरिंग एरियाज़ में जितने भी कल्चर्स थे उनके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा गया कायत जॉर्वे जूकर जाकर कल्चर क्लियर कैसे ये डिफरेंट है इजिप्ट मेसोपोटामिया और ग्रीस के कल्चर से जो ग्रीस का कल्चर था उस समय ऑर्गेनाइज नहीं था और वो एक तरीके से ट्राइबल फॉर्मेट में चल रही थी मेसोपोटामिया इजिप्ट यहाँ पर मेसोपोटामियन कल्चर जो यूफ्रेटस रिवर थी और सिमिलरली इजिप्शियन कल्चर ये दोनों कल्चर यहाँ पर काम कर रही थी यहाँ पर ये बेसिकली डेवलप हो रखी थी इसके अलावा चाइना में भी हुआ वो कल्चर था बट यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट तो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ये हो गया कि कैसे ये डिफरेंट है तो फर्स्ट थिंग इज डिफरेंट हाउ इट इज डिफरेंट एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि इसके जो कल्चर हैं और जो ट्रेडिशन है बेसिकली एंशियंट सिविलाइजेशन के कैसे वो प्रिजर्व किए गए हैं विदाउट अ ब्रेक डाउन टू द प्रजेंट डे तो इसकी बेसिकली कंटिन्यूएशन को आपको दिखाना है तो ये दो चीज़ें हैं क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे इंट्रोडक्शन तो आप बिल्कुल यहीं से कर सकते हैं कि आपने जो जो यहां पर कल्चर लिखी हुई है उसके थ्रू आप लिख सकते हैं इसके अलावा भी आप अलग अलग इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर की जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की कल्चर थी वो एक तरीके से अर्बनाइज फॉर्मेट ऑफ सिविलाइजेशन थी या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के नेबरिंग में छोटे छोटे और भी कल्चर्स डेवलप हुए थे उसी के दूसरे साइड में अलग और भी कल्चर से जैसे इजिप्शियन कल्चर में सॉप कल्चर तो ये कल्चर भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं तो ये एक पॉइंट आप इंट्रोडक्शन के रूप में दिखा सकते हैं अब इसके बाद से आप आ जाएंगे अपने बॉडी के बॉडी पे तो बॉडी में क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कि हाउ इट इज़ डिफ़रेंट सबसे पहले आपको एक मैप बना देना चाहिए एक मैप बना करके आप उसमें जितने भी कल्चर आपने शो करना है उस कल्चर को वहाँ पर आप लोकेट कर दीजिए अब इसके बाद से यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे कि कैसे ये डिफरेंट है तो डिफरेंट करने के लिए आप कई सी चीज़ों को ले सकते हैं जैसे एक आप ले सकते हैं बेस्ड ऑन द स्टाइल स्टाइल का मतलब हो गया स्क्रिप्ट कि कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जा रही है सें इंडस वैली अभी डिसिफर नहीं की गई है ऑन द अदर साइड जितने भी इजिप्शियन कल्चर या मेसोपोटामियन कल्चर ये डिसिफर्ड है और अलग लैंग्वेज में तो एक ये हो गई पॉइंट दूसरा पॉइंट जो आप लिख सकते हैं वो अर्बन वर्सेस रूरल का लिख सकते हैं अर्बन वर्सेस रूरल जैसे जो इंडस वैली थी वो अर्बनाइज थी जबकि आसपास वाली जितनी भी थी वो रूरल थी इसके अलावा डेवलपमेंट को आप लेकर के बता सकते हैं कि इंडिया की जो एंशियंट थी वो काफ़ी डेवलप्ड फॉर्मेट में थी यहाँ पर सील मिली है या फिर पोर्ट सिटीज़ मिली हैं इंडस्ट्रीज़ मिली हुई हैं एग्रीकल्चरल रिमार्क्स भी मिले हुए हैं तो कई सारी चीज़ें इस तरीके से आप यहाँ पर लिख करके दिखा सकते हैं कि हाँ वी हैव वेरी हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशन इन इंडिया whereas in इन द अदर एरियाज ऑफ वर्ल्ड जैसे इजिप्शियन एंड मिसोपेटामियन एंड यहाँ पर अभी डेवलप नहीं था इट वॉज काइंड ऑफ वेरी फ्रैगमेंटेड एंड न्यूक्लिएटेड फॉर्मेट ऑफ सिविलाइजेशन एंड दे वर ऑफ़ रूरल नेचर इन ओरिजिन तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेवलपमेंट दिखा सकते हैं फिर आप यहाँ पर रिलीजन वाइज दिखा दीजिए रिलीजियस नेचर तो रिलीजियस वाइज अब अगर आप आएंगे तो इंडस की एकदम डिफरेंट है यहाँ पर कोई मंदिर कोई भी टेम्पल कुछ नहीं मिला हुआ है केवल और केवल जो होती है मूर्तियाँ मिली हुई हैं तो आप ये पॉइंट आप यहाँ दिखा सकते हैं ऑन द अदर साइड मेसोपोटामिया और इजिप्ट में यहाँ पर रिलीजियस रिमेन्स मिले हैं तो इस तरीके से ये दोनों कल्चर भी काफ़ी डिफरेंट है क्लियर इसके अलावा सोशल सोशल ऑर्डर के बारे में बता सकते हैं सोशल ऑर्डर यहां पर जो सोशल ऑर्डर था वो बेसिकली अगेन मैट्रियार्कल टाइप की सोसाइटी थी और जो भी यहां पर आपको पॉइंट पते हैं जैसे सती सिस्टम हुआ करता था लोग डेवलप्ड uh, मतलब कि एक uh, साफ में रहते थे नॉट न्यूक्लिएटेड इसके अलावा सिटाडल फॉर्मेट हुआ करता था यानी प्रीस्टली क्लास के लोग अलग रहते थे और लोअर क्लास के लोग अलग रहते थे सोसाइटी डिवाइडेड थी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक साइड आप बोल सकते हैं बिकॉज ट्रेड्समैन जो थे वो एक तरीके से हाईली डेवलप्ड थे ऑन द अदर साइड जो लोअर क्लास के लोग थे हो सकता है वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हो या फिर पुअर पीपल थे अल्टीमेटली तो इस तरीके से यू हैव फाइव पॉइंट जहां पर आप इन पॉइंट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं इन पांच पॉइंट को अगर देखा जाए तो पहले इंट्रोडक्शन को अगर देखेंगे तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव वर्ड में आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया है डिफरेंट यहां पर अगर आप लिखेंगे तो ये सिक्सटी टू सेवेंटी वर्ड में बहुत ही ईजिली चला जाएगा तो आपने ऑलरेडी 92, 95 वर्ड आपने ऑलरेडी लिख रखे हैं अब इसके बाद से दूसरा है कि कैसे ये कंटिन्यू हो रही है कंटिन्यू करने के लिए अगेन यू हैव लॉट्स ऑफ पॉइंट्स कैसे स्टार्ट करिए इंडस वैली से आप इंडस वैली से स्टार्ट करिए और यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को बताइए जैसे सोशल ऑर्डर के बारे में बताइए पॉलिटिकल ऑर्डर के बारे में बताइए इसके अलावा आर्किटेक्चर के बारे में बताइए आर्किटेक्चर का मतलब अर्बन प्लानिंग एक तरीके से अर्बन प्लानिंग हो गई या फिर आर्किटेक्चर कुछ भी आप लिख सकते हैं देर इज़ नो इशू एट ऑल फिर आर्ट एंड कल्चर के बारे में बता दीजिए आर्ट एंड कल्चर में भी आपको अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे जैसे पॉटरी के बारे में आप अलग से बता दीजिए सील्स के बारे में बता दीजिए ठीक है फिर इसके बाद से आप बता दीजिए यहाँ पर आ, यहीं पर म्यूज़िक एंड डांस एंड ड्रामा म्यूज़िक डांस एंड ड्रामा क्लियर और भी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं जैसे वुमेन पोजिशन इन सोसाइटी पोजिशन इन सोसाइटी सो अगेन यू हैव सिक्स टू सेवन पॉइंट्स हियर ऑल्सो सोशल ऑर्डर में अगेन आप यहाँ पर चीज़ों को बता दीजिए कि जो सोसाइटी थी वो फ्रैगमेंटेड थी जो कि अगेन आगे जाकर के बेस्ड ऑन द कास्ट डिविजन हो गया था और यही फिर आगे कंटिन्यू हो गया तो एक तरीके से दिस हैज़ बिन प्रजर्व विदाउट अ ब्रेक डाउन टू द प्रजेंट डे बट ये विद अ टाइम मॉडिफाई होती गई है सिमिलरली पॉलिटिकल अवेकनिंग्स के बारे में भी आप बता सकते हैं अर्बन प्लानिंग के बारे में दिखा सकते हैं पॉटरी सील्स एंड डांस एंड ड्रामा एंड ऑल दैट ये सब चीज़ें आप दिखा सकते हैं इसके अलावा थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आप कंटेम्प्रेरी अप्रोच भी ले सकते हैं कंटेम्प्रेरी अप्रोच का मतलब ये हो गया कि अभी रिसेंट में क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर जितनी भी फूड हैबिट्स हुआ करती थी उन फूड हैबिट्स को लेकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिमार्क मतलब कि याद करने के लिए बेसिकली एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है पार्टी इन द सेंस कि एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है जो कि बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान में जो जो खाना वाना खाया जाता था वही यहाँ पर भी खाया जाता है तो ये एक एक आप कंटेम्प्रेरी रिमार्क के रूप में इस पूरे आंसर को लिख सकते हैं तो ये आपके यहाँ पर अगर आप पॉइंट्स लिखेंगे ये पॉइंट अगर आप काउंट में आएंगे तो यू हैव नियर अबाउट हंड्रेड वर्ड्स अपने आप में यही हो जाएगा तो आपके जो वर्ड्स हैं नियर अबाउट टू हंड्रेड वर्ड में चले गए हैं और आपका आंसर कंप्लीट हो गया है तो बस आपको आर्ट एंड कल्चर में कुछ ऐसा अलग चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पर बस एक काम याद रखना होता है आप कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर आप पास करिए आर्ग्यूमेंट मतलब कोई भी रिमेन्स कुछ भी अगर कर रहे हैं तो उसको आप एक फैक्ट के साथ में जोड़ दीजिए जैसे अगर आप कोई फैक्ट मान लीजिए कि कोई सिस्टम ही यूज़ कर रहे हैं सपोज वन सेकेंड सपोज़ आपने अर्बन प्लानिंग के बारे में ही बात किया तो अर्बन प्लानिंग में अगर आप कहीं पर भी बताइए तो मोहनजोदड़ो सिस्टम के बारे में बता दीजिए कि मोहनजोदड़ो में इस तरीके की चीज़ें हमें मिली हुई हैं क्लियर या फिर कहीं पर भी आप पॉटरी के बारे में बता रहे हैं तो आप बता दीजिए कि पॉटरीज हमें अलग अलग जगहों पर मिली हुई है लाइक कालीबंगा हो गई लोथल हो गई या फिर हमारी बनावली हो गई क्लियर तो इस तरीके से आप इन पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट को फैक्ट के साथ में आप कंबाइन कर दीजिए एंड दिस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन इसी इमल्सिफिकेशन को आपको यूज करना है दिस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट यही काम आपको करना है इस आर्ट एंड कल्चर में तो आई गेस आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हाउ टू राइट दिस आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वॉट एक्सटेंड द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन अगर इस क्वेश्चन का आप कंटेक्सट देखना चाहेंगे तो कंटेक्स बेसिकली है अर्बनाइजेशन। दिस इज अर्बनाइजेशन यहां पर अगर आप देखेंगे क्या लिखना चाहिए पहले क्वेश्चन को आप डिसीफर करिए क्या है किस हद तक अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली तो देयर आर टू पॉइंट एक पॉइंट है अर्बनाइजेशन का और दूसरा पॉइंट है कल्चर का कैसे ये आज की डेट की अर्बनाइजेशन को इम्पैक्ट कर रही है या किस हद तक जो है इसको इंप्रूव प्रोवाइड कर रही है कुछ नहीं करना है इंट्रोडक्शन पे आ जाइए इंट्रोडक्शन में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बेसिक्स को बता दीजिए कि ये जो होता है फर्स्ट अर्बनाइज दिस इज़ फर्स्ट अर्बनाइज कल्चर ऑफ कल्चर ऑफ वॉट आवर हिस्ट्री इन आवर हिस्ट्री या फिर इन इंडियन हिस्ट्री आप इस तरीके से एक सिंगल लाइन का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं फिर आप इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आ सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉट यू कैन डू हियर यू कैन ड्रॉ ए मैप हियर। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक मैप लगाइए कुछ कुछ यहाँ पर साइट्स को जरूर दिखा दीजिए लाइक मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीबंगा बनावली धोलावीरा लोथल दैमाबाद महदहा दमदमा ठीक है जितने भी आपको साइट्स अगर याद आ रहे हैं तो आप वहाँ पर लिख दीजिए इसको क्लियर जरूरी नहीं है कि केवल और केवल आप इंडियन साइट से लिखें आप सिंध साइट्स भी लिख सकते हैं ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है यू कैन राइट एनी थिंग यहां पर जो कि सिंध आ, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है अब इसके बाद से आ जाइए अपने पैराग्राफ को चेंज करके आप आ सकते हैं अपने अर्बनाइजेशन के साइड में अब यहां पर लिखिए दिस इज द दिस इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड अर्बनाइज सिटी इन आवर इंडियन हिस्ट्री विच कैन बी सीन इन द फॉलोइंग पॉइंट्स कैसे पहला सबसे पहले आप हाउसिंग के बारे में बता दीजिए कि यहाँ पर जो हाउसिंग हुआ करते थे वो बेसिकली एक मैप वाइज यानी डेवलप्ड यानी कि एक प्लांट फॉर्मेट में बनाई जाती थी जिसमें कि एक बाथरूम हुआ करता था ग्रीनरी के लिए अलग से हुआ करता था और रूम्स वगैरह हुआ करते थे जो भी यहाँ पर पाइप सिस्टम वगैरह पाया गया है वो एक तरीके से हाइजीनिक एंड सैनिटाइज फॉर्मेट में पाया गया है यानी ये लोग सैनिटेशन को काफ़ी ज़्यादा जोड़ देते थे इसके अलावा हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी पाई गई है तो यहां से भी पता चलता है कि ये एक हाईली डेवलप्ड सिस्टम था सेकेंड आप आ सकते हैं अपने ड्रेनेज पॉइंट पे ड्रेनेज में आप ये बता सकते हैं कि हर एक घर की जो ड्रेनिंग सिस्टम थी वो छोटे छोटे ड्रेन से जुड़ा हुआ था कनेक्टेड था और ये छोटी ड्रेन अल्टीमेटली एक बड़े लार्ज ड्रेन के साथ में कनेक्टेड थी एंड जो सिटी का पूरा का पूरा वाटर था वो सिटी के बाहर निकाल दिया जाता था ये काफ़ी डेवलप्ड फॉर्मेट देखने को मिलती है और यही चीज़ हम आज भी कंटिन्यू करते हैं बस उस टाइम पे ब्लूप्रिंट शायद नहीं हुआ करती थी लेकिन आज की डेट में ब्लूप्रिंट्स भी अवेलेबल हैं जिसके थ्रू जितने भी पॉट होल्स हैं या जितनी भी ड्रेनेज लाइन्स वगैरह हैं सब कुछ हम लोग वॉच कर सकते हैं देख सकते हैं थर्ड थिंग आप यहाँ पर बता सकते हैं रोड डेवलपमेंट के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये ग्रिड सिस्टम हुआ करती थी जितने भी रोड हुआ करते थे वो अल्टीमेटली छोटे छोटे रोड से कनेक्टेड थे और वो छोटे छोटे रोड फिर घरों से कनेक्टेड थे और इस तरीके से जो घर थे उसको प्रॉपर एक डेवलप्ड रोड सिस्टम मिला हुआ था जो घर के रोड हुआ करते थे घर के जो डोर्स हुआ करते थे दरवाजे हुआ करते थे वो कभी मेन रोड पे नहीं खुलते थे वो अपने पीछे वाले रोड पे गलियों में खुला करते थे अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है लेकिन आप इस सिस्टम को जरूर बताइए कि यहां पर इस तरीके की सिस्टम हुआ करती थी क्लियर इसके अलावा और भी पॉइंट आप बना सकते हैं लाइक like, यहां पर फोर्टिफिकेशन पाई गई है फोर्टिफिकेशन इस फोर्टिफिकेशन के साथ साथ आप यहीं पर सिटाडल को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सिटाडल को इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि यहां पर हाई सिटाडेल लोअर सिटाडेल दो तरीके की पाई गई है इसके अलावा पोर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज के बारे में भी आप बता सकते हैं यहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह भी मिली हुई हैं और ये इंडस्ट्रीज अलग अलग तरीके से हो सकती हैं यहां पर आप रॉ मटेरियल के रूप में जितने भी मिनरल्स वगैरह होते थे उसको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्लियर सो नाउ यू हैव फाइव पॉइंट्स तो अर्बनाइजेशन के बारे में आपने बता दिया इन सारे पॉइंट का आप प्रेजेंट कंटेक्स्ट भी बता दीजिए कि आज की डेट में कैसे ये यूज़ हो रही है प्रेजेंट कंटेक्सट तो ये आपको आज की डेट में कंटिन्यूएशन मिल जाएगा सो दिस इज हाउ दिस इज गिविंग इनपुट टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन जब आप इसको कंक्लूड करिए तो एक कंक्लूजन आप ये कह सकते हैं कि यस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन गिव्स अ हाई इनपुट टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन एक तो ये आप कर सकते हैं सेकेंड आप ये कर सकते हैं कि ऑल द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज हाईली डेवलप्ड फॉर्मेट ऑफ अर्बनाइज सिस्टम बट इट हैज़ हैज्सो इट हैज ऑल्सो रिमार्क्स ऑफ एग्रीकल्चर और रूरल साइट्स जैसे कालीबंगा या फिर जो मिट्टी के हल वगैरह मिले हुए हैं वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं तो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो गिव अ कंक्लूडिंग रिमार्क कि दिस इज नॉट ओनली गिविंग अ इनपुट टू द अर्बनाइजेशन बट इट इज ऑल्सो गिविंग इनपुट टू द रूरल सोसाइटी ऑल्सो तो इस तरीके से भी आप कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो अगेन नियर अबाउट ट्वेंटी वर्ड में गया हुआ है प्रॉपर्टीज को लेकर के आप मान लेते हैं कि ट्वेंटी वर्ड चला गया है यहाँ पर जब आप पॉइंट लिखेंगे तो नियर अबाउट वन ट्वेंटी वन थर्टी वर्ड ये बहुत ईजीली चला जाएगा फिर आप कंक्लूजन लिखेंगे तो वो भी ट्वेंटी टू थर्टी वर्ड चला जाएगा इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट वन एट्टी टू टू हंड्रेड वर्ड्स आपके आंसर चले गए हैं तो आपको हमेशा एक ध्यान में रखना है कि कितने वर्ड आप कहाँ पर लिखने वाले हैं बिफोर राइटिंग एनी आंसर आपको इस तरीके की एक स्ट्रक्चरिंग बना लेनी चाहिए कि हाँ ये हमारा इंट्रोडक्शन होगा दिस इज हाउ आई विल प्रोसीड माई आंसर तो इससे आपको एक तो आपके ब्रेन में शुरुआती दिनों में जब आप आंसर राइटिंग डेवलप कर रहे होंगे तो यू हैव टू डेवलप दिस ऑन योर पेपर लेकिन जब समय हो जाएगा और आप सेचुरेशन लेवल पे आ जाएंगे तो ये आपको पेपर कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप आपके दिमाग में ये प्रिंट हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर लेकिन फिलहाल प्रैक्टिस करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि पहले आप इस तरीके के स्ट्रक्चरिंग कर लीजिए और उसके बाद से फिर आप लिखिए यू हैव पॉइंट्स यू हैव कंटेंट यू जस्ट हैव टू प्लान योर आंसर दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस स्ट्रक्चरिंग एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर तो सील्स फ्रॉम सील्स फॉर्म द मोस्ट एलिगेंट क्रिएशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं बिकॉज दिस हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड ये ऑलरेडी आपको जो है समझाया जा चुका है अपने लास्ट क्लास में नेक्स्ट देखिए वॉट आर द डिफरेंट पर्पज़ ऑफ सील यूज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन डिफरेंट पर्पज़ क्या क्या हुआ करते थे देखिए इस पॉइंट को भी आप इजिली क्लियर कर सकते हैं सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन के रूप में यहां पर भी आप बता दीजिए क्या बताएंगे इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं करना है यहाँ पर बता दीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी क्लियर इस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ मैं कहूँगा कि एक मैप इंक्लूड कर दीजिए इस मैप में कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में बताइए और वो लोकेशंस जहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सकवेट की गई हैं क्लियर जैसे कहीं से अगर सील किया गया है या फिर कहीं से कोई मूर्ति निकाली गई है या फिर एग्रीकल्चरल रिमेंस हो गया या फिर कहीं पर कुछ जैसे चूड़ियाँ वगैरह मिल गई थी लिपस्टिक वगैरह मिल गया था डेड बॉडीज़ वगैरह मिल गई थी इंडस्ट्रीज़ वगैरह मिल गई थी बीड वगैरह मिल गया था क्लियर तो आप केवल लोकेशन और एक्सकवेशन साइट और एक्सकवेशन आइटम ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर इंक्लूड कर दीजिए ये बेसिकली एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का ब्रॉड व्यू दे देगा जिससे कि एक आंसर में फ्लो आ जाएगा अब इसके बाद से यहाँ पर आप अपने बॉडी में एंटर करेंगे और बॉडी में एंटर करने के लिए आप एक सिंग सिंगल लाइन लिख सकते हैं कि सील्स वर वेरी इंपॉर्टेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉर एट एंड इट हैड मैनी पर्पज अब ये कौन कौन से पर्पज हो सकते हैं अपने क्वेश्चन पे आप आ गए हैं इसके पहले आप सील्स को लेकर के एक फ्लो चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं क्या बना सकते हैं सील्स के लिए किस मटेरियल का बना होता था फर्स्ट थिंग सेकेंड आप इसमें बना सकते हैं इस सील का स्ट्रक्चर या शेप कैसा हुआ करता था क्लियर अगर इसमें कहीं पर भी कोई रिमेन्स मिले हुए हैं कहीं कोई मटेरियल टूटा फूटा कहीं कुछ मिला हुआ है तो उसको भी आप दिखा सकते हैं एक्सकेवेटेड साइट्स के बारे में बता सकते हैं लाइक लोथल बनावली कालीबंगा ठीक है इसके अलावा आप यहाँ पर बता दीजिए इसका पर्पज़ क्या था इस पर्पज में आप केवल और केवल सरफेशियल पॉइंट्स दिखाइए कि क्या क्या पर्पज हो सकती है जैसे इट इज़ अ सिम्बल ऑफ सिविलाइजेशन ये एक सिंबल है सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन क्लियर इसके बाद आप बता सकते हैं कि इसका कमर्शियल परस्पेक्टिव था कि लोग ट्रेड वगैरह में यूज़ किया करते थे इसके अलावा रिलीजियस भी थे क्योंकि रिलीजियस यहाँ पर कई सारे रिलीजन वाली चीजें भी दिखाई गई हैं लाइक पशुपति सील क्लियर इसके अलावा और भी अगर आप दिखाना चाहें तो दिस इज सोशल सोशल एंड एनिमल कस्टम आप दिखा सकते हैं यहाँ पर कि एनिमल के प्रति जो अटैचमेंट थी लोगों की बिकॉज बहुत सारे यहाँ पर एनिमल्स वगैरह भी मिले हुए हैं अब यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर दीजिए इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं कहूँगा बीच में आप पशुपति सील का भी एक एग्जाम्पल दे करके पशुपति सील के बारे में भी थोड़ी सी बातें कर सकते हैं या तो आप इसे वर्ड्स में लिखिए या फिर इसे आप फ्लो चार्ट में लिखिए या आप दिखा सकते हैं और ये भी आप बता दीजिए कि दिस वॉज द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट फ्रीकुंट इन द टाइम्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन तो इस तरीके से आप चीज़ों को बता सकते हैं साथ ही साथ में ऑलवेज कंपेयर योर आंसर कैसे कंपेयर करेंगे आप बताइएगा कि ये सिलेंड्रिकल शेप में हुआ करते थे जो आस पास के नेबरिंग सिविलाइजेशंस हुआ करती थीं और ये भी कंटिन्यूस एक्सचेंज में हुआ करते थे हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में थे तो दिस हज़ हाउ यू कैन राइट दिस आंसर अगेन यहाँ पर अगर वर्ड्स को काउंट करेंगे तो आपने इंट्रोडक्शन में जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो नियर अबाउट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव वर्ड्स आपने यूज़ कर लिए हैं जब आप बॉडी में आएंगे तो बॉडी में नियर अबाउट आपके फिर से 80 टू 100 वर्ड आपके यूज हो गए हैं और अल्टीमेटली जब कंक्लूडिंग रिमार्क के बारे में आएंगे तो वहां पर भी आपके 20 टू 30 वर्ड्स तो यूज हो ही जाएंगे तो इस तरीके से आपका आंसर जो है 160 सिक्सटी वन वर्ड्स में आपका पहुंच जाएगा तो दिस इज मोर देन सफिशियंट क्लियर तो इस तरीके से आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को लिख सकते हैं इसके अलावा देखिए ये तो हुए क्वेश्चन और उसके एक तरीके से डिस्कशन इसके अलावा देखिए एक और फीडबैक वीडियो यहाँ पर अटैच की जा रही है जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर में किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए यह आंसर सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट ने ही लिखा हुआ है तो अगर आप भी इस तरीके से सब्सक्राइब करते हैं तो ऑब्वियसली यू विल गेट ऑल्सो दिस काइंड ऑफ फीडबैक स्टार्ट करते हैं ओके सो हे इज द क्वेश्चन क्वेश्चन है कि सील्स फॉर्म द मोस्ट एलिगेंट क्रिएशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडेट देखिए यहां पर आपको क्या करना है जैसे क्वेश्चन का जो आंसर है जो इन्होंने लिखा हुआ है उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं देखते हैं क्या चीज है यहां पर लिखा गया है कि स्कल्पचर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट येट टू डेफर एंड सील्स फॉर ऑल्सो यूज एज एम्यूलेट सील्स नंबरिंग इन इन द एक्सकवेशन ऑफ सिटीज एज वेल एज साइट्स इन द पर्शियन गल्फ इन साउथ वेस्ट एशिया देखिए यहां पर जो इंट्रो लिखा गया है दिस इज ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बट थोड़ा सा मैं कहूँगा कि लॉन्ग हो गया है इसको कट शॉर्ट आप कर सकते हैं इजीली कैसे इसको आप इस तरीके से लिखिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो स्कल्पचर्स थी वो बेसिकली इनका क्या प्रॉपर्टीज है आप बिल्कुल लिखिए जैसे स्ट्रीटाइट मटेरियल का था या फिर स्क्वे शेप्ड पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट ये सब चीजें थी एंड दे वर ऑल्सो यूज एज ऑर्नामेंटल नॉट ओनली एम्यूलेट्स आप ऑर्नामेंटल्स लिखिए एक बड़े टर्म में लिखिए ठीक है।, है इसके आगे सील्स नंबरिंग इन द थाउजेंड्स है लिखना चाहे लिख सकते हैं या फिर इस लाइन को मैं कहूंगा स्किप भी कर सकते हैं मतलब आपका इंट्रो यहीं तक केवल और केवल हो जाएगा तो आपका इंट्रो ना ज्यादा छोटा है ना ज्यादा बड़ा है ये लाइन एक तरीके से जो है काफी आ, मैं कहूँगा कि इन अप्रोप्रिएट हो गई है जरूरी नहीं है लिखना क्योंकि वो बढ़ गया है अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तब आप इस तरीके के स्टेटमेंट लिखिए ये स्टेटमेंट जो होते हैं कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स होते हैं आगे इन्होंने मैप इंक्लूड किया है काफी अच्छा मैप इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है जहाँ पर ये डिफरेंट कल्चर्स को दिखा रहे हैं अब देखिए यहाँ पर आप मेडिटेरेनियन वगैरह जरूर लिख दीजिए इससे क्या है कि एक आइडिया लग जाता है क्योंकि ये एक स्कीमेटिक है ठीक है स्कीमेटिक है कोई एग्जैक्ट तो फिगर आपने बनाया नहीं है तो इसलिए जरूर लिख देना चाहिए अब यहाँ पर आपने दिखा दिया कि इजिप्शियन कल्चर है यहाँ पर मेसोपोटामियन कल्चर इज हियर नॉट ऊपर ठीक है मेसोपोटामियन कल्चर हो गया फिर इसी तरीके से अगर आपको थोड़ा सा और आ, किसी कल्चर के बारे में पता हो लाइक ईरानियन कल्चर वगैरह भी उस समय था ईरानियन कल्चर फिर यहाँ पर आप हुएंग कल्चर के बारे में लिख दीजिए दिस दीजिएग वो कल्चर तो इस तरीके से ये कल्चर थोड़े से दिखा देंगे और ट्रेड के फॉर्मेट में दिखा दीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं ट्रेड्स और ट्रेड में ही जो होती है वो सील्स वगैरह यूज हो जा रही है क्लियर ओके okay. बाकी इन्होंने यहाँ पर ये यह अच्छा लिखा है कि स्क्वेयर शेप्ड एंड देखिए नॉट ओनली स्क्वेयर शेप्ड स्क्वेयर या फिर इस तरीके से स्लैश करके आप रेक्टेंगल भी लिख दीजिए क्योंकि दोनों ही तरीके के पाए गए हैं क्लियर इसके अलावा आप यहाँ पर ही लिख दीजिए सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ ठीक है इससे क्या हो जाएगा आइडिया लग जाएगा यहाँ पर आप ऐसे बना भी सकते हैं क्लियर ओके आगे उन्होंने लेकिन ये रिपीटेड हो गया एक तरीके से ऑलरेडी ऊपर बना दिया गया है एक काम यहाँ पर यह किया जा सकता है कि आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं दिस इज फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे फ्लो चार्ट आप लिख दीजिए जैसे सील हो गया दिस इज सील अब सील में अलग अलग कैटेगरी बना दीजिए जैसे कि इसका शेप कैसा था तो आप लिखा आगे बता दीजिए दिस इज रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर जो लिखा गया है इसके अलावा आप मटेरियल बना सकते हैं मटेरियल किस चीज़ का था तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि ये स्टेटाइट मटेरियल का था मेनली लेकिन इसके अलावा कॉपर की भी थी क्ले की भी थी तो ये सब मटेरियल भी पाए गए हैं इसके अलावा आप यहाँ पर पर्पज़ लिख करके भी बता सकते हैं कि पर्पज़ क्या था तो पर्पज़ भी आगे बताया जा सकता है क्योंकि देखिए क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट द सील प्रॉपर्टीज क्वेश्चन यह है कि हाउ सील इज मतलब एलिगेंट प्रॉपर्टी बाकियों से कैसे अच्छा है तो इस तरीके से सील के बारे में आप जो है एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं काफी अच्छा इंपैक्ट और काफी अट्रैक्टिव आंसर बनेगा अ फ्यू सील्स वर ऑफ कैरीड एज एम्यूलेट्स ठीक है यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है हालांकि ऑर्नामेंट्स लिखना चाहिए एज काइंड ऑफ आइडेंटिटी कार्ड नॉट आइडेंटिटी आइडेंटिटी कार्ड एक uh, मतलब यहां पर गलत वर्ड होगा दिस इज अ काइंड ऑफ सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन ठीक है सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन आप बताइए ठीक है तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा एज द सील पिक्टोग्राफिक अगर आप uh, लिख रहे हैं तो स्क्रिप्ट मत लिखिए बिकॉज दिस इज नॉट एक्चुअली द स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का नाम है ब्रुस्टोफेडन ब्रुस्टोफेडन ठीक है लिख दीजिए कि पिक्टोग्राफिक राइटिंग्स ठीक है स्क्रिप्ट जरूरी नहीं लिखना स्क्रिप्ट एक तरीके से टेक्निकल वर्ड हो गया द एनिमल प्रेजेंटेड पर यह कोई दिक्कत नहीं है दिस इज करेक्ट आगे अगर बात किया जाए आर इन स्टाइल अब देखिए यहां पर आपने स्क्रिप्ट यहां पर खरोस्टी खरोस्टी आपको पता है कि ये जो है बेसिकली पर्शियन कल्चर थी जब पर्शियन और पाली ये दोनों मिली थी तब जाकर के खरोस्टी निकल के आया था तो खरोस्टी तो कहीं से भी ये सही नहीं है ये एक्चुअली रॉन्ग हो जाएगी बेसिकली थी, and some seals have है, आप ये एस्ट्रोलॉजिकल्ट्रोलॉजिकल क्लियर देखिए छोटे छोटे ही वर्ड जरूर होते हैं लेकिन इसकी अपनी एक मीनिंग है तो इस वर्ड्स को भी की वर्ड को काफी ध्यान से लिखना है द मोस्ट फेमस सील इज पशुपति सील बिल्कुल करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है पशुपति सील पाई गई है और अगर आपको एरिया भी पता हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा एक्सकेवेटेड फ्रॉम मोहन इसी के आगे लिख दीजिए एक्सकेवेटेड फ्रॉम मोहन जोधड़ो ठीक है फ्रॉम द ओके यू हैव दू है मोहन जोधड़ो इट इज अ सील ऑफ फिगर सीटेड क्रॉस लेग्ड और बाकी चीजें ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड फॉर्म्स एंड दीज आर द थिंग्स मेन एग्जाम्पल यहां पर लिख दीजिए फिर एग्जाम्पल के रूप में आप बता सकते हैं लाइक like, पॉटरी या फिर आसपास में एक्सचेंज के लिए जो चीज़ें यूज होती थी एक तो सील ही यूज़ होती थी पॉटरी हो गई या सील हो गया ऑर्नामेंट्स हो गए ठीक है ऑर्नामेंट्स हो गए इसके अलावा आप आर्किटेक्ट भी दिखा सकते हैं आर्किटेक्ट ठीक है ये भी जो होती है वो एक्सचेंज कल्चरल मीन्स ऑफ एक्सचेंज एक तरीके का एटसेट्रा लगा सकते हैं अब देखिए यहां पर आपने लिखा है बट नो वेयर यू हैव कंक्लूडेड योर आंसर बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग समथिंग डिफरेंट आस्किंग इट इज मोर अबाउट द सील्स आर द मोस्ट एलिगेंट क्रिएशन तो आपने कहीं पर भी ये कंक्लूड नहीं किया है कि हाउ दिस इज द मोस्ट एलिगेंट क्रिएशन ठीक है बस आपने क्या है प्रॉपर्टीज लिख दी है सो so, आपको स्टार्ट तो जरूर करना है बट अल्टीमेटली बांधे रखना है मतलब जो चेक कर रहा है उसको बांधे रखना है अपने आंसर में कैसे करना है अभी हम लोग मॉडल आंसर भी देखते हैं कैसे क्या करना है ओके नाउ आगे अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियंट सिविलाइजेशन इन इंडियन सब डिफर्ड फ्रॉम ऑफ इजिप्ट मेसोपोटामियन ग्रीस इज दैट इट्स अ कल्चर एंड हैव बीन ट्रेडिशन विद विदाउट अ ब्रेक डाउन टू प्रेजेंट डे कमेंट देखिए ये बेसिकली दो क्वेश्चन है यहां पर एक तरीके का पहला क्वेश्चन ये कहता है इसमें कि तो in Egyptian, uh, जो एंशियंट सिविलाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज डिफर्ड फ्रॉम दोज ऑफ इजिप्शियन जो मेसोपोटामियन एंड ग्रीस है दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि आपको ये एक बार इंट्रोडक्शन में या तो आप इसे क्लासिफाई कर दीजिए या फिर बॉडी के फर्स्ट पैराग्राफ में सेकेंड बोलता है कि इन दैट इट्स अ कल्चर एंड ट्रेडिशन है ब्रेक डाउन यानी कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ द कल्चर हमें आगे आ रही है दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ कल्चर ठीक है अब ये कल्चर आपकी दो तरीके से हो सकती है एक होगी ऑब्वियसली इसकी जो सोशल कल्चर होगी दूसरी इसकी जो पॉलिटिकल कल्चर है या फिर आप जो है इसकी इकोनॉमिक कल्चर को भी ले सकते हैं ठीक है तो तीन कल्चर तो आपके हाथों हाथ में आ गए कि आप किस तरीके से चीजों को दिखा सकते हैं आंसर अगर देखिए तो इंडियन सिविलाइजेशन इज यूनिक इन वेरियस एस्पेक्ट इंडस दिस इज नॉट इंडियन आप यहां पर इंडस लिखिए इंडस सिविलाइजेशन is unique in various aspect especially due to its ability to maintain continuity over hundreds of the year without undergoing drastic change actually there is a drastic change to aap is tarike ke jo extreme word hote hain usko avoid karna hai theek hai with some modifications ya fir continuation of culture in making the culture most modern इस तरीके से भी आप word को use कर सकते हैं Not like this कि आप एक रिमार्क दे रहे हिस्ट्री में कभी भी आपको रिमार्क नहीं देना है मतलब आप एक जजमेंट नहीं पास करना है क्योंकि हिस्ट्री जो है वो काफी मिक्सड होती है जरूरी नहीं है कि एक जैसे कहीं पर भी देर इज नो एंड आप ये फुल स्टॉप या फिर कहीं पर भी खड़ी पाई नहीं लगा सकते हैं ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस है धीरे धीरे क्या होती है एक कल्चर खत्म हो जाती है मतलब ये धीरे धीरे ही खत्म होती है दिस इज लाइक यू कैन से दिस कि आप ये ग्राफ में धीरे धीरे खत्म हो रही है क्लियर तो द प्रैक्टिस फॉलोड बाई थाउजेंड्स ऑफ द ईयर

देखिए आपको लिखना है टोटल के टोटल 200 वर्ड मैक्सिमम ये लिखने को बोला जाता है बट यू हैव टू राइट ओनली टू ओनलीवेंटी वर्ड्स और वन सिक्सटी वन सेवेंटी वर्ड ईजीली लिखा जा सकता है विदाउट स्ट्रेचिंग दीस काइंड ऑफ थिंग्स स्ट्रेच करेंगे तो चेक करने वाला उसको भी थोड़ा सा स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेच नहीं करना चाहिए आप वन वर्ड ही लिखिए लेकिन आप अच्छे से लिखिए मतलब इस तरीके की स्ट्रेचिंग मत करिए ओके okay. नो कंटिन्यूएशन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन इन प्रेजेंट सिनेरियो अब आगे बढ़ा दिया गया है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर नहीं किया गया है जहां पर यह बोला गया है कि हाउ दिस कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इजिप्शियन एंड जितनी भी कल्चर्स हैं तो ये थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है अब देखिए कहीं पर भी इंडस के बारे में नहीं बोला गया है एंशियंट सिविलाइजेशन एंशियंट सिविलाइजेशन में आपकी इंडस सिविलाइजेशन भी आ गई वैदिक सिविलाइजेशन भी आ गई ठीक है और इनफैक्ट मॉरियन सिविलाइजेशन भी आप, ले सकते हैं। इसके आगे नहीं। तक ही आप वो एक ऑर्गेनाइज uh, फॉर्मेट में निकल करके आना शुरू हो गए थे तो इससे पहले कि, fact, मैं कि वेदिक और इंडस इन्हीं दोनों को बेसिकली आपको डिस्कस करना है बट वी द इंडस पार्ट देन आप केवल और केवल इंडस पार्ट को ही फिलहाल कंसीडर करके चल सकते थे बट अगर एक ओवरऑल आंसर के बारे में बात करें तो इंडस प्लस वेदिक के दोनों के बारे में आपको लिखना चाहिए यहां पर आगे देखिए आपने सोशल कल्चर के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि सोशल प्रैक्टिस जो है जैसे मैरिज हो गई सती सिस्टम ये सब आपको लिख देना चाहिए था किंगशिप और देखिए किंगशिप थी जरूर लेकिन ये किंगशिप जो है वो इंडस वैली में नहीं थी इंडस वैली में यहाँ पर जो चीज़ें होती थी बेसिकली हाई क्लास प्रिस्टली क्लास ये सिस्टम चलता था लेकिन किंगशिप वाली चीज ऐसी नहीं पाई गई है आगे हैव बीन स्टिल प्रेवलेंट इन रूरल एरियाज बिल्कुल आगे भी इसी चीज़ को कंटिन्यू उन्होंने किया है सही है रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में यहाँ पर आपने एनिमल एंड प्लांट वर्शिप के बारे में बताया है दिस इज अगेन गुड लेकिन दिस इज ओनली अ आर्ग्यूमेंट आप अपने आर्ग्यूमेंट को हमेशा एक फैक्ट के साथ में ऐड करिए जब भी आपको हिस्ट्री में आंसर लिखना हो जैसे आपने यहाँ पर लिखा हुआ है एनिमल्स एंड अब जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि Uh, जो एनिमल्स हैं उसके कहां पर फैक्ट मतलब की कहाँ रिमेन्स मिले हुए हैं अब ये एनिमल का मतलब ये नहीं कि आप लगे सुरकोताड़ा से घोड़ा निकालने और बाकी जगहों से अलग अलग स्नो दिस इज नॉट द थिंग आपको जैसे सील के बारे में आप लिख सकते हैं या फिर अगर कहीं मिट्टी के कोई बने हुए बर्तन हैं मिट्टी के बने हुए कोई खिलौने हैं या फिर कहीं पर कोई चेजिंग जैसे कि आपकी जो साइट्स हैं तो साइट में आपको सिस्टम uh, दिखेगा जैसे कि आपको सिस्टम दिख सकती है कि uh, जो कैट है वो चेज किया जा रहा है डॉग के द्वारा तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा जो बेसिकली फैक्ट है वो फैक्ट भी यहां पर लिखना होगा इट विल फेच यू मोर मोर एंड मार्क्स आगे गॉड के बारे में पशुपति अगेन दिस इज ठीक है करेक्ट है शिवा के बारे में यहाँ पर चीजें आ गई हैं वैदिक प्रैक्टिस सच एज फायर सेक्रीफाइस हाँ ठीक है ये भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इनफैक्ट आप सती सिस्टम के बारे में भी बता सकते हैं कि सती सिस्टम क्यों क्योंकि हमें Uh, एक तरीके से कपल uh, uh, जो डेड बॉडीज हैं वो बेसिकली मिली हुई हैं तो यहां से भी आप चीजों को लिख सकते हैं लिंग्विस्टिक में द लैंग्वेज ऑफ एंशियन सिविलाइजेशन इज स्टिल यूज इन सेम फॉर्मेट एज इवॉल्व फॉर्मेट थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है आप ये लिखिए कि इनिशियल डेज में जो हमारे पास लैंग्वेज uh, हुआ करती थी हालांकि उसे डेसीफर uh, नहीं किया गया है लेकिन इन लेटर पार्ट ऑफ द कल्चर

जो लिखे हैं दिस इज ठीक है करेक्ट है, है लेकिन देखिए बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब ज्यादा कुछ खास काम में नहीं आएगा आगे इन्होंने जो लिखा हुआ है दिस इज ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आर्टिफैक्ट्स के बारे में क्राफ्ट के बारे में क्राफ्ट के बारे में अगेन यहाँ पर जो आपने लिखा है इसको थोड़ा सा अब अपने फैक्ट के साथ में इसको मर्ज करिए तो आपको एक इमोल्सिफाइड जैसे केमिस्ट्री में मे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इमोल्सिफाइड सोल्यूशन आपको यही इमल्सिफाइड सोल्यूशन बनाना है आप अपने को लिखिए और इसे आंसर ठीक है अगेन okay, एग्जांपल uh, के रूप में आप लिख दीजिए ठीक है जो भी डांसिंग गर्ल थी वो उसके बारे में लिख सकते हैं तो मतलब ये सब चीजें आप लिख सकते हैं यहां पर इसके बाद आपने आर्ट के बारे में बात किया है द म्यूजिक पेंटिंग देवर प्रिवलेंट इवन फ्रॉम द पास्ट टाइम्स एंड नाउ इट हैज इट्स रिकोगनाइज फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज क्लासिकल डांस ठीक है इस तरीके से आप चीजों को यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज बिठाना है कुछ भरतनाट्यम अब देखिए ये सब यहां पर वेस्ट है दीज थिंग्स आर नॉट रिलेवेंट फॉर दिस क्वेश्चन जरूरी नहीं है इनफैक्ट ये एग्जाम्पल्स हो गए ये एक्चुअल में कोई वर्ड नहीं है ये भी सेम चीज ये भी कोई काम का नहीं है ठीक है थोड़ा सा आपको ये बच करके लिखना है आगे लिखा गया है दस इंडियन सिविलाइजेशन हैज अरेंज टू प्रिजर्व इट्स कल्चर प्रैक्टिस थ्रू ट्रेडिशन एंड सोशल प्रैक्टिस अगेन देखिए इनको थोड़ा सा कंक्लूजन पे वर्क करने की जरूरत है कंक्लूजन में अभी कुछ ज्यादा खास एक फ्लो नहीं आ रही है तो फ्लो क्यों आपको थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट पर्पस ऑफ सील यूज्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन अब देखिए जैसे ही सील का नाम आ गया मुझे दो तीन फैक्ट दिमाग में आ जाने चाहिए जैसे पशुपति सील के बारे में कमर्शियल पर्पज इसके शेप इसका मटेरियल ठीक है बाकी अब पर्पज के बारे में तो पर्पज तो बहुत सारे हो सकते हैं जैसे एक कॉमर्शियल पर्पज तो इसका मेन पर्पज हो गया इसके अलावा सिविलाइजेशन ठीक है सिविलाइजेशन एज अ सिंबल सिविलाइजेशन सिंबल भी है सिविलाइजेशन का इसके अलावा प्रिस्टली क्लास के बारे में भी सील्स भाई सी, सीधी सी बात है जिसके पास ज्यादा रहेगा वो प्रिस्टली क्लास प्र ही होगा इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दिल्स फ्रॉम मोहन जुदड़ो जो की एक पिस्टली क्लास सिटी हुआ करती थी उस टाइम की तो ये दो तीन फैक्ट दिमाग में आ गए नाउ स्टार्ट राइटिंग ठीक है दिस हैज ये आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया है अब आप अपने आंसर को लिखना शुरू कर दीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोड्यूसॉट ऑफ एस्पेक्ट एंड आर्ट फॉर्म थाउजेंड ऑफ सील है बाय आर्कोलॉजिस्ट फ्रॉम द हड़प्पन साइड ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इनफैक्ट एक्सकेवेटेड फ्रॉम मोहन जोदोड़ो स्पेशली लिख सकते हैं आप इसके अलावा लोथल से भी किया गया है कालीबंगा से भी किया गया है तो मोस्ट ऑफ द सेल्स अब यहाँ पर एक काम यहाँ पर किया जा सकता था कि आप इसकी बजाय एक फ्लो चार्ट बनाइए वही फ्लो चार्ट जो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि आप मटेरियल uh, क्या है पर्पज क्या है शेप क्या है ठीक है तो ये काम यूज किया जा सकता है सेम वही चीज यहाँ पर लिखी गई है इन द फॉर्मेट ऑफ वर्ड्स बट अगर आप इसे फ्लो चार्ट बना लेंगे तो इट विल इट विल बी मोर अट्रैक्टिव ज्यादा एक तो विजिबिलिटी काफी अच्छी हो जाती है चेक करने वाले के लिए एंड द सेम थिंग यहाँ पर जो आपने लिखा हुआ है पर्पज ठीक है यही काम मैं कह रहा हूं कि पूरा लिखिए फ्लो चार्ट ही सारा बना डालिए ठीक है आगे फिर आपने इसको वर्ड्स में लिख दिया है कि सीलिंग्स जो सील सील्स है सीलिंग्स नहीं सील लिखिए सील्स वर यूज्ड इन एशियन टाइम्स फॉर ट्रेड एंड दे वर मेड ऑफ वट इज दिस ओके इकोनॉमिक or सिरामिक और क्ले टैक्स यूज टू सील दिस ठीक है ये भी कोई दिक्कत नहीं है इनफैक्ट सील्स वगैरह बनाए भी गए हैं एक्सचेंज कल्चरल एक्सचेंज जब आपको दिखाना है तो अपनी जो इंडिया की इंडस वैली की जैसे आप दिखा दीजिए कि अगर ये स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर शेप है देन दे वर रिसीविंग मतलब कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस पीपल वर रिसीविंग सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ सील्स फ्रॉम द पर्शियन एरिया ठीक है ओके okay. सेम मैथमेटिकल इमेजेस नॉट इमेजेस अगेन सिंबल्स क्लियर इनफैक्ट फिश शेप की एनिमल शेप की भी काफी सारी इस तरीके की सिम्बल्स वगैरह वाली सील मिली हुई है तो एजुकेशनल पर्पज के लिए भी यूज हो सकता है इट हैव बीन यूज नो इट मे हैव ठीक है थोड़ा सा यहाँ पर आपको यूज uh, करना है अ फ्यू सील्स वर ऑल्सो सर्वाइव्ड एज एम्युलेट्स ठीक है आइडेंटिटी कार्ड नॉट आइडेंटिटी दिस इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन या सिंबल ऑफ प्रॉस्पैरिटी दोनों ही चीजें लिखा सकते हैं प्रॉस्पैरिटी ठीक है ये थोड़े से वर्ड्स देखिए आपको ध्यान में रखना है बिकॉज दीज वर्ड्स आर की वर्ड्स और ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनकी मीनिंग बदल जाएगी अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो

फिर उसके बाद से एस्थेटिक्स कई सारी चीजों को यहां पर दिखाया जा सकता है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज आई गेस लास्ट क्वेश्चन टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन अब देखिए अर्बन बेसिकली जो अर्बनाइजेशन है यही हमें प्रेजेंट डे के साथ में कंपेयर करना है अब प्रेजेंट डे के साथ में क्या क्या चीजें हो सकती हैं अर्बनाइजेशन का मतलब होता है एक तो हाउसिंग पैटर्न हाउसिंग पैटर्न अब हाउसिंग पैटर्न में आप, आप क्या बता सकते हैं कि ईट कैसी लगी हुई है जैसे रॉ ब्रिक है या बॉन्ड ब्रिक है सीमेंट का बना हुआ है कि मिट्टी का बना हुआ है फिर इसके बाद से घर के अंदर में इसका पैटर्न कैसा होता था जैसे कि यहाँ पर एक अलग से बाथरूम होती थी जिससे सैनिटाइजेशन का काफ़ी हाइजीन का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल देखने को मिला है फिर वाटर स्टोरेज रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखने को मिली हुई है तो ये हो गया यहाँ पर हाउसिंग पैटर्न दूसरा ड्रेनेज के बारे में आप बता सकते हैं कि ड्रेनेज जैसे छोटी नालियां हुआ करती थी वो बड़ी नाली के साथ में जुड़ी जाती थी अंडरग्राउंड हुआ करता था ढके हुए होते थे ये सब चीज़ें ड्रेनेज के बारे में बता सकते हैं रोड के बारे में कि रोड जो थी वो ग्रिड पैटर्न में थी परपेंडिकुलरली कट करती थी बड़े रोड छोटे रोड से जुड़े होते थे छोटे रोड हाउसिंग की ओर में जाते थे the doors which were there in the indus valley were not opening towards the oh, towards the road they were basically opened in the galleries ya yeah, fir back side of the door to so, ye yeah, aap dikha sakte hain clear to so, ye yeah, do teen cheeze hain rain water harvesting ye zarur aap dikhaiye तो hygiene के बारे में बताइए इसके बाद से citadel के बारे में बताइए Citadel हुआ करता था अलग अलग साइड में फोर्टिफिकेशन के बारे में आप बताइए कि फोर्टिफाइड हुआ करते थे, फिर बाद से आप आ, आ, बाकी फैक्ट्रीज वगैरह के बारे में बता सकते हैं कि फैक्ट्रीज हुआ करती थी पोर्ट एरिया बता सकते हैं लोथल में पोर्ट एरिया सो यू हैव मोर देन सिक्स टू सेवन पॉइंट टू राइट इन दिस क्वेश्चन तो आपको बस प्रेजेंट डे के साथ में इसे लिंक करना है और बस काम हो गया आपका जैसे कि इन्होंने भी लिखा हुआ है काफी अच्छा लिखा हुआ है बट अगेन uh, मैं चाहता था कि एक फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में आंसर मिले फ्लो चार्ट नहीं लिखा गया है थोड़ा सा कम अट्रैक्टिव है ओके नाउ इंडस वैली इज आल्सो अर्बन अब देखिए इज आल्सो नो यू हैव टू राइट सम अट्रैक्टिव वर्ड्स जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन टू बी एज फर्स्ट अर्बन कल्चर ऑफ इंडियन हिस्ट्री ठीक है तो ये काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा तो पहली इंडिया की पहली अर्बन uh, कल्चर है अर्बन कल्चर इन द हिस्ट्री हो गई बिकॉज इज अ वेल प्लान सोसाइटी आर्कोलॉजिकल एविडेंस प्रैक्टिस अर्बन कल्चर विच वॉज टेक्नोलॉजिकली एडवांस ठीक है सम पॉइंट्स हाउ प्लानिंग कल्चर ऑफ सिविलाइजेशन ये बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है फिर आगे इसी को आप uh, बता सकते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पुट प्रोवाइड टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन फिर उसके बाद से आगे भी चीजें लिखी गई हैं तो मोरलेस सिस्टम वही लिखा गया है जो अभी हम सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेक्चर अगर आपको कोई डाउट कोई परेशानी कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल दैन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच